नमस्कार, मैं विलास उरकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। गोंदिया शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा रामनगर में कांग्रेस पक्ष पर प्रवेश तथा कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। गोंदिया स्थानीय रामनगर बाजार मैदान पर मुस्लिम समाज तथा अनेक समाजों द्वारा विभिन्न हजारों की संख्या में उपस्थिति में पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल इनका भारी जोश से स्वागत कर सैकड़ों लोगों ने, इसमें राष्ट्रवादी के लोगों ने भी कांग्रेस प्रवेश किया। गोपाल दास अग्रवाल ने समाज के हित में होने वाले अनेक योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होकर अनेक विकास के काम करने हेतु वचन दिया। इस अवसर पर सैयद इकबाल, सुनील भालेराव, प्रफुल्ल अग्रवाल, जुनेद शेख, शन्नू भाई, योगेश अग्रवाल और भी अन्य लोग उपस्थित रहे। देखे खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। धर्म निरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने वाले सारे उपस्थित हमारे नौजवान साथी, मैं सभी का बहुत बहुत दिल से इस्तकबाल करता हूं। सबको हमारे इस लड़ाई में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जी के आने के बाद भी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मुझे चुनकर भेजा और उस चुनाव में चुनाव जीतने के बाद में सरकार बीजेपी की आ गई। मैं मेरे गोंदिया के हर उस विकास के सपने को, चाहे वो गोंदिया को 24 घंटा पीने के पानी दिलाने की बात हो, बाईपास का निर्माण हो, गोंदिया का मेडिकल कॉलेज शुरू कराने का हमारा संकल्प हो, वो सारे के सारे कामों में इसका मेरे को पूरा विश्वास है। लेकिन आपके साथ के साथ साथ आपके पड़ोसी का साथ भी चाहिए, आपके रिश्तेदार का साथ भी चाहिए, तभी यहाँ से कांग्रेस का नुमाइंदा चुन के जा सकेगा और आपके हमारे बीच का नेता नाना पटोले राज्य का मुख्यमंत्री बन सकेगा। अधिकारों को कम करने का बिल लाती है, वहीं दूसरी ओर दलित समाज के, बौद्ध समाज के लोगों को वर्गीकरण के नाम पे उनकी सुविधाओं से वंचित करने का षड्यंत्र रच रही है। एक पूर्व न्यायाधीश को उस समिति का अध्यक्ष बना के समिति का कार्यक्रम चालू कराने का प्रयत्न कर रही है। ये सारे जो ध्रुवीकरण का राजकारण ये करना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं सुशीला ताई, सीमा ताई, सुनील भैया, हमारे राजू भैया, हम सब लोग भीम द्वार बनाने गए, उस भीम द्वार का विरोध किया गया, उसका शासन ने जीआर इशू किया, गोपाल अग्रवाल साहब के माध्यम से वो जीआर को मंजूरी मिली। जो तरक्की की ओर जाती है, जो बाबा साहब के विचारों से इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है, उस विचार में प्रवाह में पढ़ने का यह भाजपा और ये आरएसएस के लोग विरोध करते हैं। बंच ऑफ खंडस जाकर अल्पसंख्यकों के बीच में जाकर उनके साथ में कैसा कैसा व्यवहार किया जाए, इन्हीं बातों की वजह से अम्बेडकरवादी कभी भी भाजपा के साथ में जाने का काम नहीं करता। आगे बढ़ाने का काम और इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रक्षा करने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस करेगी। बहुत ही दुख होता है।